तो क्या गाइस, आज की वीडियो में मुझे ये वाली न्यू जेल अपनी इंडियन पाकिस्तान गेम के अंदर देखने को मिलने वाली है। ओ भाई, तो यस गाइस, हो सकता है आज की वीडियो में मुझे ये वाली जेल नहीं बल्कि न्यू वाली जेल देखने को मिले, क्योंकि भाई लोग आज की वीडियो में भी हम मिथबस्टर्स को कंफर्म या फिर बस्ट करने वाले हैं। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बढ़ते हैं अपने पहले मिथ की तरफ। मित्र, एक टैंक को ब्लास्ट करके टैंक को उसके पास दोबारा से मंगवाओ, देखो मैजिक। चलो सबसे पहले तो यहाँ पर 44 डायल करके टैंक को स्पॉन कराते हैं। अब इसको ब्लास्ट करना है, तो इसको आरपीजी से ब्लास्ट करते हैं, इजीली ब्लास्ट हो जाएगी। ये ब्लास्ट नहीं हुई, सॉरी, ये 2-3 ब्लास्ट के बाद ही यहाँ पर ब्लास्ट होती है। तो ऑलराइट, यहाँ पे ब्लास्ट हो चुके। अब इसके पास में एक टैंक मंगवाते हैं, तो यहाँ पर 44 डायल करके फिर से मैंने स्पॉन करा ली एंड मैजिक तो नहीं हुआ है। आई थिंक इस साइड पे कुछ हो, बट नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मतलब क्या मैजिक हुआ है? इस वाली टैंक के अंदर बैठना तो नहीं है? मैं बैठ जाता हूँ, बट यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा। वेट, मैं फिर से इसको ब्लास्ट करता हूँ एंड शायद इसके बिल्कुल पास में ही स्पॉन करानी है। तो पहले तो इसको मैं ब्लास्ट कर लेता हूँ। 2-3 फायर्स पे ये ब्लास्ट हो चुकी है, बिल्कुल इसके पास में ही स्पॉन कराते हैं मिला के। ओके, स्पॉन हो चुकी है एंड भाई वो ब्लास्ट वाली टैंक और दोनों टैंक उड़ गई। ये कैसे भाई, जो ब्लास्ट थी वो भी उड़ गई और जो सही थी वो भी उड़ गई। फिर से एक टैंक को ब्लास्ट कर लिया, इसके पास टैंक को दूसरी को बुलाते और भाई देखो इस बार तो पता नहीं कहां पे उड़ गए। जो टैंक ब्लास्ट होती है, ब्लास्ट होने के बाद वो डमी बन जाती है, बट वो भी उड़े जा रही है उसके साथ। तो ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। मिथ 80 से न्यू जिगजैग रैंप बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये है न्यू वाला जिगजैग रैंप भाई, ये देखने में तो काफी बेस्ट लग रहा है। और बेस्ट तो है, कितना ज्यादा ऊपर है, मुझे तो नहीं लगता भाई ये इतना आसान होगा। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले एटीवी बुलाते हैं, 3 बार नहीं 4 बार 2-2 डायल करके। चलो अब देखो मैं तुम लोग को कैसे ये कम्प्लीट करके दिखाता हूँ। चलो भाई अब मैं इस पे जाने वाला हूँ कम्प्लीट करने। ईजी है भाई, ये तो बिल्कुल आसान है। एंड यहाँ से मैं यस, ये मतलब एटीवी से आसान लग रहा है मुझे, बिल्कुल आसान लग रहा है। मतलब इस पे जो ट्रंस वगैरह आ रहे हैं ना वो बिल्कुल इजीली हो जा रहे हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। यहाँ तो फिर मैं बेस्ट ड्राइवर हूँ आई थिंक इस वजह से। नहीं नहीं यार, इधर नहीं जाना था। भाई तुम लोग के लिए इजी होगा, बट मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया है, इस वजह से मेरी तरफ से ये बहुत मुश्किल है। होगा आसान तुम लोग के लिए, मेरे लिए नहीं। I am noob. Sorry, but इस वजह से ये वाला मिथ बस्ट है। मिथ न्यू अपडेट में अगर आप हाउस का कलर चेंज करोगे तो शोरूम का कलर चेंज हो जाएगा, बस आरजीबी कलर नहीं होता है। आरजीएस टूल के अंदर चल के सबसे पहले तो इसका कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा हाउस कलर रेड, बिकॉज रेड इज माई फेवरेट। भाई कैसे बताऊं, बट मेरा फेवरेट है। यहाँ पर मैं इसको ओके कर लेता हूँ, हो चुका है हमारा हाउस रेड। तो अब चलते हैं शोरूम पे, देखते हैं क्या वो भी रेड हुआ है या फिर नहीं। और शायद न्यू अपडेट के बाद उस वाले शोरूम को भी चेंज दिया गया है, कार शोरूम किया गया है उसको आई थिंक। मतलब आसान तरीके से बताऊं तो उसको चेंज कर दिया गया है, जो पहले था ना वो नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। बट वे जो मैंने देखा वो ही तुम लोगों ने देखा, भाई शोरूम तो सच्ची में रेड हुआ पड़ा है। फटाफट से भाई चलते हैं और दूसरे कलर्स भी इसमें करके देखते हैं। बट वेट, ये शोरूम भी देखो चेंज है, क्योंकि जो पुराने वाला शोरूम था वो मुझे अच्छे तरीके से याद है, वो ऐसे नहीं था। ये चेंज है, यस मतलब 100% चेंज है। उससे मेरा क्या फायदा? ये हम पहुंच चुके हैं न्यू वाले कार शोरूम पे, जो कि ऑब्वियसली चेंज किया गया है। और मेन पॉइंट, जो कि हमने हाउस को रेड किया था तो ये भी रेड हो चुका है। दूसरे भी इस पे कलर्स ट्राई करेंगे, पहले मैं इसको अंदर से देख लेता हूँ। यस, ये अंदर से भी चेंज है, पहले इसके 2 पार्ट्स थे बट अब एक हो गया है। अब आई थिंक दोनों भाई भाई बन चुके हैं, एक ही कर लिया है इसको। तो चलो वहां से हमने हाउस कलर रेड किया तो ये रेड हो गया है, बट अब यहाँ पर हाउस कलर ग्रीन करते हैं फिर ही पता चलेगा असली राज क्या है। तो यहाँ पर हाउस कलर ग्रीन करते हैं, ओके करते हैं। और भाई ये तो सच्ची में हो गया, इसका मतलब अगर हम लोग हाउस का कलर चेंज करेंगे तो शोरूम का भी कलर चेंज हो जाएगा। ये सही है भाई, एक तीर से 2 निशाने, बेस्ट लगा मुझे। तो ये वाला मिथ कंफर्म्ड है।
मिस स्टिकी मैन बनकर हमर कार में बैठो, जितनी बार बैठोगे उतनी बार मैजिक होगा। ऑल राइट, यहाँ पर मैं बन चुका हूँ स्टिकी मैन, एंड जिनको नहीं पता ना स्टिकी मैन कैसे बना जाता है तो वो जाके मेरी रिसेंटली मिथ बस्टर्स वाली वीडियोस देख लो, तुम लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि उस वाली वीडियो में मैंने बताया था कि स्टिकी मैन कैसे बना जाता है। एनीवेज हम लोग बन चुके हैं स्टिकी मैन, तो अब यहाँ पर 8880 डायल करके हमर कार को बुलाते हैं, इसमें बैठते हैं। यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ और देखते हैं क्या मैजिक होता है। सबसे पहले तो इसमें बैठ जाओ। डन। एंड भाई ये क्या हो रहा है, मेरे बैठते ही भाई इस गाड़ी को पता नहीं क्या हो चुका है, गोल गोल घूम रही है हवा में वो भी। सबसे बेस्ट चीज जो लगी है ना, ये जो भाई जो आग की तरह निकल रहे हैं ना, पता नहीं क्या है, बेस्ट लग रहे हैं ये। वैसे ये जो आग की तरह निकल रहे हैं इनको हिंदी में क्या बोलते हैं तुम लोग बता देना। वेट, मैंने एग्जिट तो कर लिया है बट मैं आई थिंक फंस चुका हूँ इसके अंदर। नहीं, निकल गया। वेट, ये फिर से फंस गया। ये भाई इसकी टांगे देखो कैसे हो रही है, मतलब इतनी बड़ी टांगे हो जा रही है इसकी। निकल गया आई थिंक। नहीं भाई, ये तो ऊपर जाए जा रहा है। चलो जैसे तैसे करके मैं निकल चुका हूँ, फिर से देखते हैं, क्योंकि उस मिथ में था कि बार बार मैजिक होगा, तो एक बार फिर से चल के बैठते हैं, फिर से देखते हैं मैजिक। ये हम लोग फिर से इसके अंदर बैठ चुके हैं और भाई फिर से ये वैसे ही होने लगी है जैसे कि थी नहीं मतलब पहले स्टिकी मैन बन के जैसे बैठे थे हो रही थी वैसे ही हो रही है। और वेट, ये फिर से मेरे एग्जिट करते ही फंस गया, पता नहीं क्यों भाई एग्जिट करते ही फंसे जा रहा है, इसका इलाज करना पड़ेगा। बाकी ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। मिथ, अगर आप कार ड्राइव करने से पहले स्काई फॉल फिर देखो मेजे, अच्छा मतलब गाड़ी में बैठने से पहले हमें स्काई फॉल लगाना है फिर इसमें बैठना है, तो गाड़ी मंगा लिए, इसके पास चलते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले स्काई फॉल लगाना है फिर उस बैठने वाले पे क्लिक करना है, तो स्काई फॉल का चीट कोड 1120 ये डायल कर लिया और बैठने वाले पे क्लिक कर लिया। अब देखते हैं क्या होता है, इसको सबसे पहले तो गिरने दो। मैं गरीब हूँ। चलो ये गिर चुका है, अब देखते हैं क्या होता है, इसको सीधा होने दो सबसे पहले। वेट, ये सीधा नहीं हुआ, अबे ये तो गाड़ी के स्टाइल में बैठा है, ये गाड़ी में तो नहीं बैठा है बट गाड़ी के स्टाइल में बैठा है, तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठते हैं, फिर शायद कुछ ना कुछ हो, तो चलते हैं इस गाड़ी के पास और बैठने। अबे इसको तो मैं आर पार जा रहा हूँ भाई, ये कैसे हो रहा है, ये देखो सारी की सारी गाड़ी के ही मैं आर पार जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं सभी व्हीकल्स के आर पार जा सकता हूँ। ट्रेन पे ट्राई करते हैं। चलो ये सामने ट्रेन है, देखते हैं कि हम इसके भी आर पार जा सकते हैं नहीं, और ये हम लोग ट्रेन के आर पार भी जा सकते हैं। अब देखो भाई हम ट्रेन के आर पार आ चुके हैं, इसका मतलब अगर हम कोई बड़ी गाड़ी स्पॉन करवाए तो उसके भी आर पार जाएंगे। वेट, इसका मतलब हम लोग उसका इंटीरियर भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने न्यू वाली हमर गाड़ी को स्पॉन करा लिया है, चलते हैं इसके पीछे भी बैठ पा रहा हूँ इसके, यहाँ से तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि सच्ची में मैं इसके पीछे ही बैठा हूँ। बट हमारी मेन पॉइंट यहाँ पर ये कि क्या हम इसका इंटीरियर देख पाएंगे या फिर नहीं, चलते हैं अब इसके अंदर सीधा। और भाई देखो हम इसका सारा का सारा इंटीरियर देख पा रहे हैं। इतनी खुशी मुझे। वैसे तो हम इस गाड़ी का इंटीरियर देख पाते बट थोड़ा बहुत, बस यहाँ से भाई सारी की सारी गाड़ी को हम देख पा रहे हैं अंदर से, आगे से, पीछे से, साइड से, यहाँ से, मतलब हर जगह से देख पा रहे हैं, मतलब हम सारी गाड़ियों के इस तरीके से इंटीरियर देख सकते हैं। तो ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। मिथ, पुलिस स्टेशन में एक बहुत बड़ा स्टार लगा हुआ है। चलो भाई सबसे पहले चलते हैं पुलिस स्टेशन एंड देखते हैं वहाँ पे स्टार। उससे पहले तुम लोगों से मैं कितने बंदे हैं जिनको ये पता चल चुका है कि जेसीबी का चीट कोड है, तो अगर आप लोगों को भी इस वाली न्यू जेसीबी का चीट कोड पता है तो तुम लोग मुझे बता देना। हाँ, जेसीबी का और न्यू वाली जो हमर कार आई है ना, दोनों का चीट कोड बता देना तुम लोग। आज देख ही लेते कितने बंदों को आता है। और भाई फाइनली हम लोग पुलिस स्टेशन पे भी पहुंच चुके हैं जिस पे रोहित भैया ने बहुत खर्च किया है, इसको इतना ज्यादा रियलिस्टिक बनाया गया है। एनीवेज यहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर बड़ा स्टार कहाँ पे, दीवार पे तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा मुझे। नहीं, दीवार के तो चारों साइडों पे नहीं है तो ये स्टार, वेट ये सामने है मेरे, बिल्कुल सामने लगा हुआ है स्टार और मैं दीवारों पे देख रहा हूँ कि स्टार कहाँ पर है। यस, ये तो है, मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर बड़ा सा स्टार लगा तो है बिल्कुल सामने, तो ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। मिथ, हाउस को आरजीबी करके एसी रूम में एसी के ऊपर कोने में देखो तो दिवाली की लड़ी वाली
लाइट लगी होगी। हाउस को आरजीबी करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हाउस कलर आरजीबी टाइप कर लेंगे, तो हमारा जो हाउस है वो आरजीबी हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइप करते हैं हाउस कलर आरजीबी, ओके करके डन करते हैं और हो चुका है आरजीबी। तो अब चलते हैं सीधा अंदर और देखते हैं एसी के ऊपर कुछ लाइट्स वगैरह हैं कि नहीं। ओके, एसी तो इस साइड भी होती है बेड के ऊपर। एंड वेट, ये ऊपर की तरफ मुझे कुछ नजर तो आ रहे हैं। एंड यस, ये ऐसे ही लग रहे हैं जैसे कि लाइट्स हैं। वेट, मैं अपनी स्नाइपर निकाल लेता हूं और ऊपर ऊपर थोड़ा सा। वेट यार, ये किधर गई? ओके, वहां से नजर आई, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। और भाई देखो, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि लाइट्स हैं, और वैसी ही लग रही हैं जैसे कि दीवार पे नहीं लगी होती दिवाली पे जो लड़ी वाली लाइट्स, वैसी ही लग रही हैं। बट ये हाउस को आरजीबी करने के बाद ही दिखेंगी, तो ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। तो गाइज, आज के लिए कुछ इतने ही मिस थे जो कि आप लोगों ने मुझे कॉमेंट करके बताए थे। उनमें से काफी सारे मिस ऐसे थे जो कि कंफर्म थे, एंड काफी सारे मिस ऐसे थे जो कि बस्ट थे। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। और तुम लोगों अगर इस गेम का कोई भी मिथ आता है तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। बाकी अभी मेरी इस गेम की और वीडियोस देखनी है तो आप लोग जो ऊपर शो हो रही है उस पे क्लिक करो, मैं आप लोग को वहीं पे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।